सर जी ने मुझे एक अच्छे से नौकरी दिलाने में मदद करने के लिए मान गए। हमें उनकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, और वो होते कौन है हमारी मदद करने वाले? साहिबा जी, आपको सर से क्या परेशानी है? मैंने आपको कभी ऐसा नहीं देखा था, आप उनमें से हो ही नहीं साहिबा जी, जो अपने दिल में किसी के लिए इतनी नफरत रखे। और अगर बात रही थाने में उनकी तरफ से मेरे लिए कंप्लेन करने की या मेरे साथ हाथापाई करने की, तो सब गलत फहमी थी। उन्होंने उसके लिए माफी मांग ली है साहिबा जी, अब आप उन्हें माफ कर दो। बात सिर्फ उतनी नहीं है। तो बात क्या है साहिबा जी, आप उसे इतनी नफरत क्यों करती हो? और मैं नहीं, अकीर भी कह रहा है कि आप वेले ही उन पर बढ़ जाती, छोटी छोटी बात पर गुस्सा होने लगती। क्या वो आपको किसी की याद दिलाती, आपके पिछली जिंदगी से जुड़े किसी बंदे की? क्यों, आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सर जी भी लुधियाने से हैं, और आप भी हमें लुधियाने में मिली थी, अपने लुधियाने से ही बस पकड़ी थी, इसलिए आप उनको माफ नहीं कर पा रही हैं। क्या कोई अतीत का बंदा याद आता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे किसी की याद नहीं दिलाते। और अपने अतीत को ना तो मैं याद करना चाहती हूँ और ना ही उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। मुझे बस आप दोनों की फिक्र है, बस। अपने सर जी के लिए मेरी बनाई फिरनी लेकर गए थे, किस होटल में लेकर गए थे, क्या नाम था उसका? आप नाम क्यों पूछ रहे हैं? बस ऐसे ही देखना चाहती हूँ कि पनीसर में उनकी हैसियत के हिसाब से कोई होटल है भी या नहीं। और जी, द ग्लोरी होटल, ओह काफी शानदार है, एकदम महल जैसे कमरे थे साहिबा जी। मैंने अंगद से कहा है कि वो अकीर से दूर है, मुझे उसे ये भी समझाना होगा कि वो अकीर के पापा से भी दूर है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।